हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मज़ेदार तरीके से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मज़ा आया कि नहीं आया? जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो आप सच में बताना, जो मैं आपको ये पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो आपको मज़ा आया कि नहीं आया? जी हाँ, जिन्होंने भी हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं अनुसेवक भर्ती के, आई होप उनके सभी के पेपर बहुत ही अच्छे बने होंगे, है ना? क्योंकि पेपर ही आपका इस तरीके से आया था। मैंने सिलेबस चेंज का भी वीडियो बनाया, कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उनको मज़ा आ गया, है ना? फॉलो किया, डेली फॉलो किया, कुछ लोग, सभी लोगों के मैं तो कमेंट, तो हालांकि मैं सभी का पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सभी के रिप्लाई दूँ, उसमें से कुछ लोग बिल्कुल डेली जुड़े रहे, आई होप उनको फ़ायदा हुआ होगा। जैसे कि सृजन सिंह जी, राजेश जी, विनय जी, एक मोहम्मद करके हैं एक, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, हैं सभी के नाम मुझे नहीं याद है उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ा रहा और जुड़े रहे और उनको ज़रूर से फ़ायदा मिला। सृजन सिंह ने, सिंह जी ने, राजेश सिंह जी ने, विनय जी ने पेपर भेजा, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इन सभी लोगों को जिन्होंने पेपर भेजा और एक हमारे बीच में एक रिलेशनशिप को दर्शाया, एक विश्वास को दर्शाया। तो आपको कमेंट करके बता देना है कि पेपर देने में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, जो जो मैंने सिलेबस कराए, जो जो मैंने वीडियो अपलोड किए, उन्हीं से आपके क्वेश्चंस आए या नहीं आए। दो चार क्वेश्चंस की मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 50 के 50 क्वेश्चंस आपको नहीं दे सकता हूँ, या फिर कोई भी नहीं दे सकता है, है ना? लेकिन आपको कमेंट करके बताइए मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, और मज़ा आया, पेपर आपको पसंद आया, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आए, तो आप लाइक और शेयर करिए। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मैं फटाफट आपको आंसर बताता जाता हूं और आप अपना देखते जाइए, ठीक है? तो ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सरकारी रक्षा उपक्रम ने रिकॉर्ड समय में 30,000 वेंटिलेटर बनाकर भारतीय सरकार की कोविड से लड़ने में सहायता की थी? तो वो कौन है? BEL है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है, दूसरे का बी। तीसरा नंबर है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन था, हर वीडियो मैंने आपको बताया, जनरल विपिन रावत है, ठीक है। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी जो मैंने लेटेस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था उसमें भी था आपका ये क्वेश्चन, तो आपको जरूर से बताओ कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? श्री सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के, है ना। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, है ना। तो इतनी ये इजी पेपर था और मैंने बताया था कि आप विश्वास रखिए, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ और उसी से ही आपका पेपर आएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही ऐसी थी, पांचवी पास। एक पांचवी पास कैंडिडेट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है, है ना। हाँ, बहुत से लोगों ने बताया कि आप सब कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है। अब आप पेपर उसका जवाब दे रहा है कि मेरा कहना सही है या गलत है, और जो कंटिन्यू लोग जुड़े हैं उनको तो पता ही चल गया होगा। चलिए, खैर, पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी जानते हैं नवीन पटनायक, सभी वीडियो लोग देखा होगा, पहला ही वीडियो मैंने अपलोड किया था राज्य के मुख्यमंत्री, राजधानियां और राज्यपालों के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लू क्या है? छठा क्वेश्चन, तो लू है राजस्थान की स्थानीय हवा, लोकल विंड ऑफ राजस्थान, गर्मियों में चलती है, ठीक है। आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन पर, सूरत शहर निम्नलिखित नदियों में से किसके पास स्थित है? तो जो आपका सूरत शहर है वो तापी या फिर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सजेशन चाहूँगा सभी से कि अब आप किस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करिए। एक और चीज़, अब नेक्स्ट लाइव सेशन, जी हाँ, आज मैं हालांकि 5 मिनट के लिए ही लाइव आया था, क्योंकि मैं कभी आया नहीं था, तो मैं उसको एक टेस्टिंग के तौर पर देख रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग उसमें जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप नेक्स्ट लाइव सेशन कब चाहते हैं, एक डिटेल से लाइव सेशन रखा जाए, ठीक है ना। और अब आप किस सेशन, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। और आप सोशल मीडिया से, बहुत से लोग हमारे हमसे जुड़ रहे हैं, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, नवा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बताइए, कितना ईजी सवाल है, ईटानगर, है ना,
सभी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 10वां, हिमालय की सबसे बाहरी सीमा या श्रृंखला कौन सी है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि मैंने इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया है ना, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2013 में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। अगर आपने अपॉइंटमेंट वाला वीडियो देखा होगा तो जरूर से आपको पता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु इज करेंटली डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी आपको पिछले वीडियो में बताया मैंने, है ना, तो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं कावारत्ती, ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से भारत का भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपका सतलज नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। और जिन्होंने मेरी वीडियोज देखी है उनके 35+ क्वेश्चन सही होंगे, है ना। चलिए, पोंगल किस महीने में मनाया जाता है, तो पोंगल जो त्यौहार है आपका ये जनवरी महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो महानदी पर किया गया है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल से मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में, क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मराठी नववर्ष से है, तो मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा से है, जी हाँ ऑप्शन बी आपका सही होगा। बहुत सी मूवीज में सीरियल्स में आपने देखा होगा कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में जरूर से दिखाते हैं, मनाते हैं, है ना, तो उसको हम नववर्ष के तौर पर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, पौलमी घटक की प्रसिद्ध किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी, यहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है, तो जो पौलमी घटक हैं वो टेनिस की खिलाड़ी हैं, हालांकि वो टेबल टेनिस अगर ये होता तो ज़्यादा सही होता, लेकिन फिर भी चलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से टेनिस चल जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ठीक। और 21वां, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, श्रीमती रेखा शर्मा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, बताइए अब इससे इजी क्वेश्चन आपका क्या होगा, इससे सड़ा क्वेश्चन क्या होगा, श्रीमती आनंदी पटेल इनके किस भारतीय राज्य की गवर्नर हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं था तो कंफ्यूज होने वाला कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं है, सीधे उत्तर प्रदेश आपको आंख मीच के पे टिक कर देना था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अबोर पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं, या फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित हैं, तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव का आयोजन किया जाता है, जी हाँ एक ये नया ऐसा उत्सव है, शायद आप लोगों ने बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, है ना, नाट्यांजलि उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, रेस 2020 मेगा वर्चुअल समिट इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज रिलेटेड टू, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मेगा वर्चुअल समिट रेस 2020 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो अगर आप इसका फुल फॉर्म ही देखेंगे क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जी हाँ अगर आप इसका फुल फॉर्म पता है तो आप फट से पता लगे AI, यहाँ पर देखिए नाम में भी आ रहा है AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका ये संबंधित था, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वां, हिंदी तो क्या कहने, इतनी सरल हिंदी, इतनी ईजी हिंदी, उम्मीद से भी ज़्यादा सरल है ना, रघुपति राघव राजा राम इस वक्त इस पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आप बताइए इससे इजी आप क्या चाहेंगे, रा वर्ण की आवृत्ति हो रही, रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में रा। निम्नलिखित में दाल रोटी में से कौन सा समास, मैंने बताया था बिल्कुल उठा के सेम टू सेम कॉपी रख दिया गया, द्वंद समास, कैसे मैंने आपको बताया था कैसे अलग अलग करेंगे दाल और रोटी, और मैंने बताया था कैसे पहचानेंगे द्वंद समास को कि दाल और रोटी के बीच में डैश लगा होगा, है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से नीलकंठ में से कौन सा समास है, नीला है कंठ जिसका अर्थात स्यु, तो क्या होगा, बहुब्री समास, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पंचवटी में से कौन सा समास है, पांच वटों का समाहार, पांच वटों का युग्म, तो इसमें कौन सा होगा, द्विग समास, यहाँ पर संख्या की बात हो रही हो और अंतिम पद संज्ञा हो वहां पर क्या होगा, पंचवटी शब्द वहां पर द्विग समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से मनुष्यता का शब्द का सही विलोम क्या है, तो मनुष्यता का सही विलोम क्या होगा, आप बताइए बिल्कुल से, इंसानियत तो होगा नहीं, आदमियत होगा नहीं, मानवता होगा नहीं, पशुता ही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल से इजी है। निम्नलिखित में से आदान शब्द का विलोम क्या है, तो आदान और प्रदान,
कहते हैं ना, आदान प्रदान कर रहे हैं, लेना और देना। ऑप्शन सी आपका। निम्नलिखित में विलोम शब्द का कौन सा सही विकल्प होगा? कौन सा विकल्प सही है? तो औन्नति और उन्नति, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये सही होगा। 32 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, किस वाक्यांश के लिए उचित शब्द नहीं चुना गया है? तो किसके लिए नहीं चुना गया है? ऑप्शन डी, जो पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपठनीय, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पठनीय। तो यही आपका गलत है, यही आपका मतलब क्वेश्चन आपका ये सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अत्यधिक वर्षा होना, इस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? तो उसका होगा अतिवृष्टि। जी हाँ, क्या होगा? अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा वर्षा होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हस्ती होगा, हस्ती होगा हाथी का पर्यायवाची। 36वां लेते हैं। निम्नलिखित में वैधानिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो या मान्य हो उसे हम वैधानिक कहते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो जो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है वो है राकेश। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर से करें, और सब्सक्राइब बिना किए जाना नहीं है, है ना। और कमेंट करते रहिए, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया पेपर दे करके, पेपर को देख करके, है ना, बिल्कुल से मज़ा आ गया, ऐसा कमेंट आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तम शब्द का विलोम क्या होगा? 38 नंबर, तो उत्तम का होगा अधम। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, दुख वेदना पीड़ा व्यथा, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ऑब्वियसली बिल्कुल कष्ट के ही पर्यायवाची हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला इस वाक्य के लिए उचित शब्द क्या है? अर्धमासिक। बहुत 6 महीने में एक बार आप एग्जाम देते हैं ना, अर्धवार्षिक एग्जाम देते हैं, इसे कहते हैं ना हाफ ईयरली एग्जाम, तो अर्धवार्षिक। नेक्स्ट है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ, सॉरी। देखिए यहाँ पर हो गया ना, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना। जिसने भी अगर हुआ है लिखा हुआ तब तो गलत कर गया, और जिसने पढ़ लिया कि सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो सही कर ले जाएगा। तो इसमें वर और दूल्हा एक ही चीज़ होती है, विलोम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा उपमा अलंकार का उदाहरण है? तो यानी कि एक दूसरे की उपमा की जाए, मुख है सुंदर चंद्र, तो यानी मुख किसकी, मुख यानी चेहरे की उपमा की जा रही, तुलना की जा रही किसे? चंद्रमा से। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो यहाँ पर अलंकार क्या होगा? बिल्कुल डिफिनीशन रखी हुई है, मैंने डिफिनीशन सही था आपको बताया था, यमक अलंकार। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नव पर चम, चम चपला चमकी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अलंकार होगा। वहां पर क्या अनुसार अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? 46 नंबर, तो माता डैश लगा हुआ है दोनों के बीच में, तो माता और पिता कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी आपका सही है। 47 नंबर, चौमासा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो चौमासा यानी कि 4 महीनों को जब मिलाकर कहेंगे तो चौमासा में कौन सा आपका समास होगा? द्विग समास होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वाक्यांश के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, मुद्रिका मुंदरी छल्ला, ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, अंगूठी, बिल्कुल ही जी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो चीर है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, आपने पूरा पेपर का सोल्यूशन भी देख लिया, और आई होप जिन्होंने भी पूरे वीडियोस देखे हैं उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर अंत में कि विश्वास रखा करिए आप। मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ तो पूरी जानकारी देख करके इधर उधर से छानबीन करके ही बताता हूँ, तो आप विश्वास जरूर से रखा करें, है ना। जी हाँ, तो विश्वास से ही रिश्ते बनते हैं, और आप विश्वास जरूर रखा करें। बस आप कमेंट करते रहिए, मज़ा आया या नहीं आया। अब आप किस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट करिए। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पेज है हमारा, फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाइए, फॉलो करिए, आप मैसेज करिए, हमसे बात करिए, आपको कोई समस्या है उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अभी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रुकना है, लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।